राजधानी दिल्ली आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि तेलंगाना के सीएम केसीआर ने लोगों से किए तीनों बड़े वादे पूरे नहीं किए हैं। केसीआर ने अपने परिवार के सदस्यों में सांसद से लेकर मंत्री पद रेवड़ियों की तरह बांटे हैं। वहीं टीआरएस सरकार ने शिक्षा बजट 10% से घटाकर 6% किया, जबकि आप सरकार ने इसे 25% किया है। देश में सबसे महंगा चुनाव केसीआर लड़ते हैं। सोमनाथ भारती ने कहा कि तेलंगाना में केसीआर को छोटा मोदी के नाम से जाना जाता है। वे पीएम मोदी की तरह लोगों से झूठे वादे करते हैं। तेलंगाना में बेरोजगारी इतनी बड़ी मुसीबत है, इस बजट में एक भी पैसा इस काम के लिए नहीं है और ना ही उन्होंने बजट में प्लानिंग की है। SC ST लोन का पैसा आज तक रिलीज नहीं किया गया। ऐसे में शुरुआती 3 वादे भी पूरे नहीं किए, आज भी इनकी नियत नहीं है SC ST साथियों के लिए कुछ काम करके दिखाएं। इनकी प्लानिंग इतनी कमजोर है कि सिर्फ 25% बजट को ही खर्च कर पाए। भर्तियों का नॉमिनेशन नहीं है, एक भी भर्ती आज तक KCR ने नहीं की है। तेलंगाना की सरकार ने बजट पेश किया और हर तरफ से आंखें लगी हुई थी कि बजट में कुछ नया होगा, क्योंकि हर तरफ हताशा, हर तरफ निराशा तेलंगाना में है। 25% दिल्ली सरकार का बजट शिक्षा पे खर्च होता है, वहीं तेलंगाना की सरकार KCR साहब ने 10% अलॉटमेंट से घटते 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 इस बार 6.26% पे आ गए। मतलब कोई तैयारी नहीं है, या पूरी तैयारी है कह दें उनके तरफ से, कोई तैयारी नहीं है जनता को एम्पावर करने के लिए, लेकिन पूरी तैयारी है जनता पे शासन करने के लिए, कि जनता पे राज करना है, जनता को अनपढ़ रखना है, जनता को गरीब रखना है, जनता को डिसएम्पावर्ड रखना है और इस प्रकार से राज करना है। वहीं केजरीवाल साहब ने 25% बजट का, दुनिया के लोगों की आंखें खुली रह गई जब बिजनेस ब्लास्टर के अंदर करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट बच्चों के प्रोजेक्ट्स पर आने लगा, तो वहीं तेलंगाना की सरकार अपने बजट को 10% से घटा दे 6.26 पे आ गई है। सोमनाथ ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में केजरीवाल सरकार एक उम्मीद के रूप में सामने आई है। ये उम्मीद जितनी पंजाब, दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए है, उतनी ही आप लोगों के लिए भी है।